नमस्कार, मैं एम के मिश्रा यूनिवर्सिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप किसान आंदोलन में व्यस्त हैं, उधर 370 को उसके बाद जम्मू कश्मीर पर हो गया एक बड़ा फैसला और पूरा का पूरा जो राज वहां का जो समीकरण था वो बदल दिया गया। और क्या कुछ हुआ है आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। उस वीडियो में दूसरी खबर है, आशुतोष को जानते होंगे आप, आम आदमी पार्टी वाला जो पहले पत्रकार भी था। उस आम आदमी पार्टी के आशुतोष ने इस वीडियो के दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा कैसे एक महिला, एक हिंदू महिला के साथ जब कुछ अच्छा होने जा रहा था तो ये आशुतोष और फिर सोशल मीडिया पर कलुआ भी कहा जाता है, उसने कैसा कांड कर दिया। उसके बाद जब वहाँ पर उसकी सुताई हुई है तो उसने कैसा भोपू वाला रोना शुरू कर दिया है। आपको पता है आशुतोष रोता बहुत है, इसकी रोने के वीडियो भी टीवी चैनल्स पे डायरेक्ट लाइव दिखाए गए थे तो वो वहाँ पर रोने लगा। चलिए शुरुआत करता हूँ उस खबर को लेकर जहाँ पर इस समय बता दूँ आपको कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो बड़ा बदलाव उसको उस पर मैं आपको बता दूँ। अनुरोध करूँगा वीडियो को ज़्यादा से शेयर करेगा, हर एक फ़ोन तक पहुँचा दीजिए। और हाँ, पहली खबर दूसरी खबर ज़रूर देखें, दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली की तैयारी की जा रही है और उस तैयारी में कुछ लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ वहां पर डांस किया, म्यूजिक के साथ डांस किया और उस लोकतंत्र के 70 साल में पहली बार कुछ लोगों ने वहां पर वोट डालने का उनको अधिकार मिला। और उसके बाद 370 के बाद ये सबसे बड़ा ये एक तरह से गौरव का क्षण था जब लोग वहां पर नाचते हुए दिखाई पड़े। मैं बता दूं, 4 चरणों में जो मतदान था जम्मू कश्मीर का, उसमें पहली बार जिला विकास परिषद चुनाव की प्रक्रिया में आधे सफर से ज़्यादा पूरा कर लिया गया है। इन चुनाव में 8वें व अंतिम चरण के लिए 19 दिसंबर को मतदान यहां पर होना है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते तमाम आशंकाओं के विपरीत अब तक हुआ मतदान न केवल अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश में अनेक स्थानों पर बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद लगभग 50% से ज़्यादा मताधिकार का प्रयोग लोगों ने करके यह साबित कर दिया कि भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था, उन्हें एक तरह से दृढ़ विश्वास है उसके ऊपर। जिला विकास परिषद के चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के विवादित प्रावधानों में 35 से हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश को लोग पहली बार चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और खासकर विशेष दर्जा होने के कारण पिछले कई दशकों से वोट डालने से वंचित रहे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो कि वर्ष 1957 में पंजाब से आकर बसे और वाल्मीकि परिवार और कई अन्य वर्गीय को लोगों को पहली बार स्थानीय इकाई चुनाव में वहाँ पर भाग ले रहे हैं। शायद यही कारण है कि जिला विकास परिषद का चुनाव जो है वो जनहित से जुड़े मुद्दों को दूर हटकर छिटक कर 370 अथवा उसको बहाल करने, राष्ट्रवाद और स्थानीय पहचान जैसे भावनात्मक मुद्दों को इर्द गिर्द सिमट कर समय रह गए हैं। पूरी कहावत है कि राजनीति में कोई अस्थाई शत्रु या अस्थाई दुश्मन मित्र नहीं होता है, लेकिन आधुनिक युग में यह देश की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के इस कहावत को थोड़ी तब्दीली यह कह कर दी है। कोई एक पार्टी एक ही समय में राजनीतिक शत्रु भी हो सकती है और फिर मित्र भी हो सकती है। नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर में लद्दाख में तो यही हो रहा है, जहाँ क्योंकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के शत्रु और कांग्रेस के मित्र है, जबकि लद्दाख में कारगिल के जिला में नेकपा भाजपा के मित्र है और कांग्रेस के शत्रु है। चलिए तो देख सकते हैं, दिलचस्प बात यहां पर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एवं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने के नेतृत्व में गठित जिस पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डेकुमरेशन गुपकार डिक्लेरेशन
PAGT के साथ जम्मू कश्मीर में आगामी जिला परिषद के चुनाव को सीटों के तालमेल पर भाजपा हर छोटे से बड़े नेता को लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक गुपकार गैंग में शामिल होने वाले आरोप पर आरोपों पर कांग्रेस को पूरी तरह से यहां पर किसी भी तरह का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उसी तरह से गुपकार अलायंस के प्रमुख घटक नेशनल कॉन्फ्रेंस को कारगिल के समर्थक जारी रखने का ऐलान खुद भाजपा और लद्दाख के अध्यक्ष सांसद जो हैं जय मांग शेरिंग नगलियाल ने स्पष्ट तौर पर किया हुआ है। ऐसे में लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ खड़ी है अथवा उनके समर्थन में डटी हुई है। अब मैं आपको बता दूँ, इस सबके बीच एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है जो मैं आपको दूसरे खबर की तरफ ले चल रहा हूँ, वो है आशुतोष को लेकर के। आशुतोष को लेकर के आप सुनेंगे कि अभी योगी आदित्यनाथ ने कथित लव जिहाद का एक मामले को लेकर जो कानून पास किया उसको लेकर एक अभी स्टोरी है, इसके बारे में सुनेंगे तो आप खुद उस आशुतोष के ऊपर और कलवा इसे कहते हैं शायद लोग सोशल मीडिया पर, कथित लव जिहाद को लेकर कई राज्य सरकारों को लेकर चिट्ठी हिंदूवादी संगठनों ने भी मोर्चा खोल रखा है। उत्तर प्रदेश हरियाणा मध्य प्रदेश और की बीजेपी सरकारें इस कानून को बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। इसके इस बीच खबरें ऐसी भी आती रही हैं कि हिंदू लड़की और मुसलमान लड़कियों की शादी को लेकर लव जिहाद कहकर शादी रुकवा दी गई। अब तीन तक ऐसी खबर आई जिसे कट्टर हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के अंतर धार्मिक शादी के हिंदू लड़की को धमकी दी और उसे पति को अरेस्ट कर लिया, ऐसा आया इस मुद्दे को लेकर के। लेकिन इस बीच मैं बता दूं, इस मुद्दे पर जो पत्रकार है या वो पार्टी का नेता है या किसी का किस चीज़ का प्रवक्ता है क्या ही ये पता नहीं होता है, ये अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार लिखता आशुतोष, उसने ट्विटर पर ट्वीट किया। एक ट्वीट आपके सामने नजर आ रहा है, ये ट्वीट है आशुतोष का। उसने लिखा, अब बजरंग दल तय करेगा कि कौन किससे शादी करेगा, संविधान का कोई मतलब ? लव जिहाद # लव जिहाद लॉ योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया गया है, यादव अखिलेश @मायावती ये सारे चीज को ट्वीट किया गया यहाँ पर। और इसका ये ट्वीट करके ये बताने की कोशिश यहाँ पे की गई कि संविधान और लव जिहाद अलग है, मतलब लव जिहाद का जो कानून आया है एक तरह से ये संवैधानिक तरीके से लाया गया है। और यहाँ पर कह रहा है ये व्यक्ति, जब CA पास हो जाता है वहाँ पर लोकसभा में और पारित हो जाता है उसके बाद ये कहते हैं वह असंवैधानिक है। जो भी चीज़ संविधान के कारण से पास होता है वो असंवैधानिक हो जाता है और जब उसी बात पे लोग विरोध करते हैं तो संविधान की उलाहना देते हैं। समझ नहीं आता कि ये करना क्या चाहते हैं, ये किस उसके बने हुए बिन पेंदी के लोटे कहे जा सकते हैं सुन लोग। तो आशुतोष ने जब ये पूछा, उन्होंने अपने लेख में UP और मुरादाबाद की घटना का जिक्र किया जिसमें उसने लिखा कि एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उसकी शादी एक लड़की हिंदू लड़की से हो चुकी है। उसे 5 महीने रहने के बाद हिंदू पत्नी के साथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचता है तथा वहां बजरंग दल के लोग आकर युवक को पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसकी इस ट्वीट पर जो ये था आशुतोष, उसकी जमकर लोगों ने प्रतिक्रिया दी और उसको जमकर उसने यहाँ पर उसकी तोड़फोड़, मतलब लोगों ने उसको ढंग से धोया। एक यूजर ने लिखा, ट्विटर यूजर ने लिखा कि बहन बेटी को बचाना कौन सा गुनाह है, कोई कहीं भी शादी करे इससे परेशानी है, लेकिन झूठ बोलकर शादी करे इससे परेशानी है और तुझे नहीं तो उससे स्पष्ट है कि लड़कियों की कोई इज्जत नहीं, तुम्हारे लिए काले दिमाग। देखिए मैंने कहा इसको लेकर काले दिमाग। कुमार एक दूसरा यूजर लिखते हैं, शादी तो लड़के लड़के के माँ बाप ही तय करेंगे, जब बात है धर्म छिपा कर शादी करोगे तो वहाँ लड़की को बस भुगतना लड़की को पड़ता है, जोश जोश में किया गया काम हमेशा गड़बड़ होता है। मुकेश शर्मा दूसरे एक यूजर लिखते हैं कि सिर्फ बजरंग दल ही नहीं, हर हिंदू का निर्णय लेता है कि शादी करनी है तो किससे करनी है, किसके दिमाग में, आपके दिमाग में जो चल रहा वो हम समझ रहे हैं, फिर भी किसी ने पूछने की जरूरत नहीं है तुमसे। ये एक के बाद एक चीज़ें लोगों ने सवाल पूछे और आशुतोष और कलवा जो लोग कह रहे हैं वो कर लेते हैं। चलिए एक मुस्लिम है यूसुफ, उस ट्वीट पर यूसुफ हैं, वो लिखते हैं कि संसद तो पहले ही बंद है और न्याय के मंदिर भी सुनने पड़े हैं, कुछ अदालतें जागृत होने का दिखावा कर रही हैं, फिर क्या इसको बंद कर बजरंग दल जैसे दलों ने हाथ में सत्ता न्यायपाल के सौंप दी जाए, रोज मरने से अच्छा है होगा देश का मुसलमान एक साथ ही इनके हाथों मर जाए। अब देश का ये मुसलमान ऐसा अनसुर फील होने लगा जब आप नाम बदल करके पप्पू सोनू और क्या नाम करके शादी करते हो
तब आपको लोकतंत्र में वो नहीं लगता। हिंदू बहनों को भड़काते हो और अपनी बीवी बेटियों को आप बुरके में रखते हो, उनके आँख तक नहीं दिखती, उनके वो नहीं दिखते हैं, और आप मुसा हिंदू बहनों को लेकर के नाम बदल कर शादी करोगे तो सोचोगे कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तुम्हें माफ़ करेगा। माफ़ कीजिएगा साहब, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आज का हिंदुस्तान है 2020 का हिंदुस्तान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और जिस राज्य की बात कर रहे हैं वहाँ पर योगी आदित्यनाथ हैं, दोनों ही बड़े ख़तरनाक हैं। तो थोड़ा सा संभल कर चलिए, और जो लोग कह रहे हैं इस तरह से कि ये धर्म बदल कर जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, तो लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि हम किसी को छेड़ते नहीं और जो छेड़ता उसको छोड़ते नहीं हैं। ऐसी चीज़ें इस समय आजकल आ रही हैं सोशल मीडिया पर हिंदू घर संगठनों का, और होना भी चाहिए, क्योंकि आज का भारत घर में घुसेगा भी मारेगा। बने बने ओनली न्यूज़ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज़ ग्रुप की न्यूज़ मैगजीन द न्यूज़ ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।